हिचकिचाते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रही हो भाभी? मम, मैंने कहा यक्षिणी के कमरे का दरवाजा खोला। वंदना गुस्से से कहती है, झूठ बोलता है, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है, समझा? युक्ति तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो ये सोच ही नहीं पा रहा था कि वंदना को इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला था। वंदना के शरीर में जितनी जान थी वो अपनी पूरी जान से युग का गला दबाने लगती है। युग चीखते हुए कहता है, छोड़िए भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए मेरा गला, मेरा दम घुट रहा है भाभी। वंदना युग का गला दबाते हुए उसे बार बार हिला रही थी। युग की सांसें अटकने लग गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि यदि वंदना ने जल्दी ही युग का गला नहीं छोड़ा तो वो कुछ ही पल बाद अपना दम तोड़ देगा। अब तो युग के गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी, बस वो अपने हाथ पैर फड़फड़ाए जा रहा था। युग अपना दम तोड़ता उससे पहले ही उसकी चीखों की आवाज सुनकर वहां जानकी, अमोदिता और रजनी आ जाती हैं। वहां के हालात देखकर वो तीनों भी भौंचक्के रह जाते हैं। जानकी फुर्ती के साथ युग के पास जाती है और वंदना से उसका गला छुड़ाते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो वंदना? युग का गला क्यों दबा रही हो? छोड़ो इसे। वंदना जानकी की बात का कुछ जवाब नहीं देती। उसका पूरा ध्यान अभी भी युग का गला दबाने पर था। जानकी अपने हाथों से युग का गला छुड़ाते हुए कहती है, वंदना मैं कहती हूँ छोड़ो युग का गला, वरना वो मर जाएगा, छोड़ो। वंदना गुस्से में बड़बड़ाती है, नहीं नहीं छोड़ूंगी, इसने यक्षिणी का दरवाजा खोल दिया है, मुझे सब पता है। वंदना की बात सुनकर रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये पागल क्या बकबक कर रही है। जानकी वंदना को समझाते हुए कहती है, वंदना युग ने बस ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला है, यक्षिणी जहाँ पर कैद थी वो कमरा नहीं खोला, समझी? वो अभी भी वहीं पर कैद है। वंदना और कसकर युग का गला दबाते हुए कहती है, नहीं इसने खोला है, ये झूठ बोलता है, मुझे सब पता है, इसने दरवाजा खोला है। जानकी वंदना को बार बार समझाए जा रही थी पर वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसका बस एक ही मकसद था, युग का दम तोड़ना। वंदना के हाथों युग को बचाने के लिए रजनी भी उनके पास आ जाती है और युग का गला छुड़ाने लग जाती है। अमोदिता दरवाजे की दहलीज पर ही मंत्रमुग्ध होकर खड़ी थी। उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वंदना को इस हालत में देखकर अक्सर वो घबरा जाती थी क्योंकि उसे लगता था कि वंदना के ऊपर किसी का साया है। युग, जानकी और रजनी तीनों से ही वंदना नहीं संभल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाजुओं में 100 पहलवानों की ताकत आ गई थी। ये एक चौंकाने वाली बात थी कि एक दुबली पतली स्त्री में अचानक से इतनी ताकत कहां से आ गई थी। रजनी अमोदिता पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, तू वहां पर खड़ी तमाशा क्या देख रही है? जल्दी से वंदना को इंजेक्शन लगाना। अमोदिता हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ माँ अभी लगाती हूँ, 2 मिनट। इतना कहकर अमोदिता कमरे के अंदर घुसती है और टेबल पर ही रखा एनेस्थीशिया का इंजेक्शन उठाती है और वंदना के हाथ में लगा देती है। जैसे ही एनेस्थीशिया का लिक्विड वंदना के शरीर के अंदर प्रवेश करता है वंदना बेहोश हो जाती है। जानकी और रजनी मिलकर वंदना को बिस्तर पर लिटा देती हैं। रजनी अमोदिता पर अभिमान करते हुए कहती है, अच्छा हुआ मेरी बेटी अमोदिता ने ANM का कोर्स करके रखा है, वरना युग की तो जान ही निकल जाती। तुम्हें पता है युग बेटा, हमारे गाँव और आसपास के गाँव में एक भी डॉक्टर नहीं है। जब भी कोई बीमार पड़ता है तो सीधे मेरी बेटी अमोदिता के पास ही आता है। किसी डॉक्टर से कम नहीं है मेरी बेटी। युग कुछ जवाब नहीं देता। उसके दिमाग में तो अभी भी यही बात घूम रही थी कि वंदना को कैसे पता कि उसने यक्षिणी का कमरा खोला था। कुछ ही देर बाद सभी लोग वंदना के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। युग अपनी बड़ी माँ जानकी के कमरे में बैठा हुआ था और उनसे अपने सिर की चंपी करवा रहा था। जानकी युग की चंपी करते हुए कहती है, युग बेटा तुझे पता है बचपन में अक्सर मैं ही तेरी कंघी किया करती थी, तुझे नहलाती थी, तुझे तैयार करके नजर का टीका लगाकर तेरे दोस्तों के साथ खेलने भेजा करती थी। युग कुछ नहीं कहता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ख्याल में खोया हुआ था। जानकी युग को उसके बचपन की और बातें बताते हुए कहती है, बचपन में तू बहुत गोलू मोलू था, ये अमोदिता तो तुझे मोटू मोटू कहकर चढ़ाया करती थी और मैं उसे धमकी देती, खबरदार जो मेरे युग बेटे को मोटू बोला तो। पर बेटा अब तू ना बहुत दुबला हो गया है, शहर में तुझे ढंग से खाना नहीं मिलता क्या? तू खुद खाना बनाता है या कोई बाई लगवा कर रखी है? युग अभी भी जानकी के सवालों का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी उसके और वंदना के बीच हुए हादसे से उभर नहीं पाया था। जानकी चंपी करना रोक देती है और धीरे से युग से पूछती है,
क्या सोच रहे हो युग बेटा? युग अपना सिर ना में हिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं बड़ी माँ। बड़ी माँ भी कहते हो और बड़ी माँ से झूठ भी बोलते हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारी वंदना भाभी की हालत ऐसी कैसे हुई? हाँ बड़ी माँ, मैं यही सोच रहा हूँ। ये वो वंदना भाभी नहीं है जिनके साथ बचपन में मैं खेला करता था। वो भाभी हमेशा हंसती खेलती रहती थी, और ये भाभी, ये तेरी वो वंदना भाभी हो भी कैसे सकती है बेटा? वो वंदना तो तभी मर गई थी जब उसका पति और मेरा बेटा विराट मरा था। इतना कहते ही जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। युग जानकी के आंसू पोंछते हुए कहता है, आप रोइए मत बड़ी माँ। कैसे न रोऊं बेटा, जिस माँ ने अपना जवान बेटा खो दिया हो वो माँ भला रोएगी नहीं तो क्या करेगी? युग कुछ नहीं कहता, वो जानकी के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। जानकी रोते हुए कहती है, तुम्हें पता है युग बेटा, उस यक्षिणी ने ही तुम्हारे भाई को मारा था। एक बूंद तक खून की उसके शरीर में नहीं छोड़ी थी, पूरा शरीर सफेद पड़ गया था। पर बड़ी माँ, यक्षिणी ने ऐसा क्यों किया था? उन्होंने भैया को क्यों मारा था? उस यक्षिणी को किसी को मारने के लिए वजह की जरूरत थोड़ी पड़ती है बेटा। वो तो बस जो भी मर्द अमावस्या और पूर्णिमा की रात किश्नोई नदी पार करता था उसके साथ संभोग करके उसे मार देती है। उसे एक अभिशाप मिला था। कैसा अभिशाप बड़ी माँ? वही तो नहीं पता बेटा, पर सुना है वो दूसरे लोक से आई थी और एक अभिशाप मिलने के कारण ये सब कर रही थी। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, आखिर ये अभिशाप है क्या जिसके बारे में सब बात तो करते हैं पर किसी को पता नहीं है? जानकी एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, तुम्हारे बड़े भाई विराट की मौत के बाद एक दिन तुम्हारी भाभी हम लोगों को बिना बताए उस ग्रेवयार्ड कोठी में गई थी। जब वो वहां से लौटी तब से ही उसकी ऐसी हालत है। कई डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ फायदा नहीं हुआ, यहां तक कि झाड़ फूंक भी करवाई पर किसी काम नहीं आया। बाबाओं का तो कहना था कि यक्षिणी ने इसके ऊपर काला जादू कर दिया है जिसकी वजह से ये ऐसी हो गई है। जानकी की बात सुनकर युग की आंखों में भी आंसू आ गए थे। जानकी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, ये बात ज्यादा ना फैले और तुम्हारे बड़े पापा की बदनामी ना हो इसीलिए हम ही लोगों ने वंदना को कमरे में बंद करके रखा है। ना ही उसे किसी से मिलने देते हैं, ना वो किसी से मिलती है। एक जिंदा लाश की तरह बन गई है बस बेचारी। कभी कभी तो मुझे भी उसकी हालत पर रोना आता है, पर मैं क्या करूं, मैं खुद मजबूर हूं। जानकी अपने आसपास देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है बेटा, जब वंदना उस ग्रेवयार्ड कोठी से वापस आई थी तब से लेकर आज तक बस वो एक ही रट लगाए हुए है, तूने दरवाजा क्यों खोला मुझे सब पता है। पता नहीं उस ग्रेवयार्ड कोठी में क्या हुआ था उसके साथ, उसने ग्रेवयार्ड कोठी में कहां का दरवाजा खोला और उसे क्या पता चल गया था, ये बात सिर्फ वंदना और तेरे पापा को ही पता थी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, मेरे पापा को? हाँ बेटा, उस वक्त तेरे पापा ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहा करते थे, पर तेरे पापा की मौत के बाद वो राज भी दब गया। आपने कभी पापा से पूछा नहीं कि जब वंदना भाभी ग्रेवयार्ड कोठी गई थी तो उनके साथ क्या हुआ था? कैसे पूछते बेटा, तुझे तो पता ही है तेरे बड़े पापा ने तेरे पापा से सारे रिश्ते जो तोड़ दिए थे, कहा था कि यदि दरवाजे की दहलीज भी पार की तो कभी वापस कदम मत रखना। जानकी की सारी बातें सुनकर युग शांत हो गया था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इन सब बातों पर विश्वास करे या नहीं, पर अभी तक उसने जो भी देखा था उसका जी बार बार इन सब बातों पर यकीन करने की गवाही दे रहा था। युग कुछ सोचते हुए कहता है, अच्छा तभी वंदना भाभी मुझसे कह रही थी कि तूने दरवाजा क्यों खोला मुझे सब पता है, क्योंकि जब से वो ग्रेवयार्ड कोठी से लौटी है यही बड़बड़ाए जा रही है। जानकी हैरानी के साथ कहती है, हाँ पर युग बेटा तू ऐसा क्यों बोल रहा है, कहीं तूने सच में तो यक्षिणी का कमरा नहीं खोला ना? जानकी का सवाल सुनकर युग के पसीने छूटने लग जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि बड़ी माँ को सच बताऊं या नहीं बताऊं। जानकी उस पर दबाव बनाते हुए कहती है, बताओ युग बेटा, तुमने वो दरवाजा तो नहीं खोला ना? युग जानकी के सवाल का जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने लग जाता है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहां पर रजनी और अमोदिता आ जाती हैं। रजनी कमरे के अंदर घुसते हुए कहती है, अच्छा तो युग तुम चंपी करवा रहे हो, तुम्हें पता है हमारी अमोदिता बहुत अच्छी चंपी करती है, उसके हाथ से एक बार चंपी करवाओगे तो हमेशा करवाते रहोगे। रजनी अपनी आंखों से अमोदिता को इशारा करते हुए कहती है, अरे अमोदिता खड़ी क्या है, जाकर युग की चंपी कर दे और थोड़ा तेरी बुआ को आराम करने दे, कितना काम करेगी वो इस उम्र में।
अमुदिता रजनी का इशारा समझ जाती है कि वो क्यों युग की चंपी करने को कह रही थी, ताकि चंपी के बहाने वो उसका एक बाल तोड़ सके उस पर काला जादू करने के लिए। अमुदिता युग की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, बुआ जी लाइए, मैं कर देती हूँ युग जी की चंपी। युग अमुदिता को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं अमुदिता, हो गई है चंपी, बड़ी माँ बहुत देर से कर रही थी, ज्यादा चंपी करने से बाल खराब हो जाते हैं। रजनी मनी मन सोचने लग जाती है, ये युग अमुदिता को कुछ भी करने के लिए मना क्यों कर देता है। युग अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है, अच्छा बड़ी माँ, अब मैं निकलता हूँ, सबसे मुलाकात करने आया था वो हो गई। रजनी फटाक से कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो युग बेटा। ग्रेवयार्ड कोठी मामी जी, आखिर वही तो मेरा घर है ना, हमारे तो सारे रिश्ते नाते बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं ना। ये बात सुनकर रजनी चुप हो जाती है। जानकी युग को समझाते हुए कहती है, युग बेटा तुम अभी भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हो, लगता है तुम अभी भी हमसे नाराज हो। जानकी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग उनके हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये आप क्या कह रही हैं बड़ी माँ, आप बड़ी हैं मुझसे। जानकी कहती है, अगर मैं तुमसे बड़ी हूँ तो क्या तुम बड़ों का कहना नहीं मानोगे, आज रात यहीं पर रुक जाओ ना, देखो कितने सालों बाद आए हो तुम, तुम्हारे आने से इस हवेली की रौनक फिर से लौट आई है। रजनी भी युग को रोकना चाहती थी ताकि उस पर काला जादू कर सके, वो भी जानकी का साथ देते हुए कहती है, हाँ युग बेटा रुक जाओ ना, भाभी कितने प्यार से कह रही हैं। जानकी और रजनी के दबाव देने पर युग उनकी बात मान जाता है और कहता है, ठीक है बड़ी माँ मामी, आप दोनों कहती हैं तो मैं सिर्फ आप दोनों की खुशी के लिए रुक जाता हूँ। रजनी खुश होते हुए कहती है, मुझे पूरा यकीन था बेटा तुम हमारी बात कभी नहीं टालोगे, तो फिर अब बताओ आज रात क्या खाओगे तुम, तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाएगी मेरी अमोदिता, अमोदिता खाना भी बहुत बढ़िया बनाती है, वैसे मेरी अमोदिता सभी काम में माहिर है, बस अपने चेहरे के रंग से पीछे छूट जाती है। युग रजनी को टोकते हुए कहता है, मामी आप ऐसा क्यों बोलती हैं, इंसान के रंग से थोड़ी कुछ होता है, इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं उसके कर्म से होती है मामी जी। युग की बात सुनकर रजनी खुश हो जाती है, वो मन ही मन सोचने लग जाती है, लगता है युग को अमोदिता पसंद आ गई, तभी तो वो उसकी तारीफ कर रहा है। अमोदिता युग से कहती है, बताइए ना युग जी आप क्या खाएंगे। कुछ भी बना लो अमोदिता जो तुम्हें ठीक लगे, शहर में अकेले रहकर सब कुछ खाने की आदत हो गई है। ठीक है युग जी, इतना कहकर अमोदिता वहां से चली जाती है। रात हो चुकी थी, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे हुए थे। अमोदिता और बल्लू काका दोनों मिलकर खाना सर्व कर रहे थे। सुबह से लेकर रात तक अमोदिता युग का बाल तोड़ने की कोशिश कर चुकी थी, पर वो सारी ही कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। रजनी अमोदिता से कहती है, अरे अमोदिता युग को और चावल दो ना। अमोदिता युग को चावल देने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी युग चावल लेने से मना करते हुए कहता है, अरे नहीं अमोदिता, मैं पहले ही ज्यादा खा चुका हूँ। रजनी कहती है, अरे अभी तो तुमने कुछ खाया ही नहीं है बेटा। दिलीप अपनी बुलंद आवाज में कहता है, इसको समझा दिया सब। सुदेश हिचकिचाते हुए कहता है, अभी नहीं भैया, तो जल्दी ही समझा दो, ज्यादा वक्त नहीं है। युग बीच में ही बोल पड़ता है, ये आप लोग किसे क्या समझाने की बात कर रहे हैं। सुदेश प्यार से युग से कहता है, वो युग बेटा आज ना गांव में ग्रेवयार्ड कोठी के सिलसिले में मीटिंग बैठी थी, और मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि तुम्हें वो ग्रेवयार्ड कोठी बंद करनी पड़ेगी। युग अपनी भवे ऊपर करते हुए कहता है, क्या कहा, ग्रेवयार्ड कोठी बंद करनी पड़ेगी, पर क्यों। तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि वो कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना थी, और वहीं पर यक्षिणी को कैद किया गया था। जब से कोठी खुली है गांव में दहशत का माहौल है, तो दोनों गांव वाले चाहते हैं कि वो कोठी बंद हो जाए, पर मैं वो कोठी बंद नहीं करने वाला, वो कोठी मेरी है और अब मैं वहीं पर रहूंगा। युग की बात सुनकर दिलीप को गुस्सा आ जाता है और वो मुंह फुलाते हुए कहता है, सुदेश कह दो इससे, अगर इसे इस गांव में रहना है तो हमारे हुक्म का पालन करना पड़ेगा, आज से पहले भी इसके पिता ने कोठी खोली थी और भुगतना हमें पड़ा था। युग इस तंज का कुछ जवाब देता उससे पहले ही सुदेश भी युग को समझाते हुए कहता है, देखो युग बेटा तुम रहना चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। किस घर की बात कर रहे हैं आप मामा जी, हमारे रिश्ते तो बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं ना। युग की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। युग अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मेरा खाना हो गया है बड़ी माँ, अब मैं निकलता हूँ। जानकी युग को रोकते हुए कहती है, पर बेटा तुम तो आज रात यहीं पर रुकने वाले थे ना। हाँ बड़ी माँ रुकने वाला था, पर यहाँ इतना कुछ हो गया ना कि अब मन नहीं है,
अच्छा मैं चलता हूँ, आप वंदना भाभी और सबका ख्याल रखिएगा। इतना कहकर बिना कुछ सुने ही युग वहां से चला जाता है। जब युग किश्नोई नदी के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर जमकर बारिश हुई थी, जिस कारण नदी में गर्दन तक पानी भर गया था। युग को समझ ही नहीं आ रहा था कि दिन में तो घुटने के नीचे तक पानी था, अचानक नदी में इतना पानी कैसे आ गया था। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। युग सोच नहीं पा रहा था क्या करे। झगड़ा करके आने के बाद वो वापस घर भी नहीं जा सकता था और रात भर नदी के पास यूं रुक भी नहीं सकता था। नदी के आसपास उसके सिवा कोई और था भी नहीं। युग सोच ही रहा था कि वो क्या करे, तभी सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग सोच ही रहा था कि वो क्या करे, तभी उसे नदी के किनारे पर कई सारे जुगनू एक साथ जगमग जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर करीब 50-60 जुगनुओं का एक झुंड था, जिनकी जगमग रोशनी की वजह से वहाँ पर कभी पीला उजाला तो कभी अंधेरा दिखता था। युग उन जुगनुओं को एक टक नजर से देख ही रहा था कि तभी वो जुगनू एक एक करके उस झुंड में से अलग होने लग जाते हैं और किसी कलाकृति का आकार लेने लग जाते हैं। वो जुगनू एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर जाकर रुक जाते हैं और वहीं पर रुककर जगमगाने लग जाते हैं। देखते ही देखते वो जुगनू एक लड़की की कलाकृति बना लेते हैं। उन जुगनुओं को दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी लड़की के बदन के हर एक अंग पर एक जुगनू बैठा हुआ हो। ऐसे दृश्य की युग कभी अपने सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। वो ये दृश्य देखकर अचंभित हो गया था। जुगनुओं का लड़की की कलाकृति के रूप में चमकना युग को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। युग चाहकर भी अपने कदमों को रोक नहीं पा रहा था और उसके पैर खुद ब खुद जुगनुओं की उस कलाकृति के पास बढ़ने लग जाते हैं। जब युग उन जुगनुओं की कलाकृतियों के पास पहुंचता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कुछ देर तक वो मंत्रमुग्ध होकर खड़ा रहता है। वो अपने हाथों से अपनी आंखों को 2-3 बार मलता है। उसे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता था। युग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, जरूर ये मेरी आंखों का धोखा है। युग के सामने एक लड़की थी जिसके बदन के चारों तरफ सच में जुगनू बैठे हुए थे। उस लड़की का मुंह दूसरे साइड था, जिस कारण युग को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उस लड़की का सुडौल बदन था। वैसे तो युग का अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह काबू था, पर पता नहीं क्या जादू था उस लड़की के बदन में, जिसे देखकर युग के अंदर की भी वासना जाग गई थी। पर जैसे ही उसके मन में यक्षिणी का ख्याल आया तो उसके पैर डर के मारे कांपने लग गए। वो मन ही मन सोचने लग गया, कहीं ये यक्षिणी तो नहीं, मैंने अभिमन्यु ने वो दरवाजा खोलकर इसे आजाद तो नहीं कर दिया। युग डरते हुए उस लड़की को हाथ लगाने लग जाता है और लड़खड़ाती जुबान से कहता है, यक्षिणी। जैसे ही युग उस लड़की को छूता है, लड़की के बदन पर बैठे सारे जुगनू हवा में तितर बितर उड़ने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे युग ने उन जुगनुओं को डिस्टर्ब कर दिया हो। जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो युग उसकी आंखों में देखकर खो सा जाता है। उसकी खूबसूरती देखकर युग मदहोश हो गया था। उस लड़की का लंबा चेहरा था, सुनहरी आंखें, कमर तक लंबे बाल जिसकी उसने लंबी सी चोटी गूंथ कर रखी हुई थी। उसने अपने गोरे बदन पर ब्लैक ब्लाउज पहना हुआ था और कमर के नीचे के हिस्से में दकमान गोल लपेटा हुआ था। दकमान हाथ से बुना हुआ सूती का कपड़ा होता है। उस लड़की का बस पेट का हिस्सा नग्न था, जिससे उसकी नाभि युग को साफ साफ दिख रही थी। रात के अंधेरे में वो लड़की इतनी खूबसूरत लग रही थी कि किसी भी मर्द के तन बदन में आग लग जाए। युग मंत्रमुग्ध अवस्था में खड़े होकर उस लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारे जा रहा था, उसके बदन की एक एक अंग की बनावट को देख रहा था। अपने आप को निहारता हुआ देख वो लड़की अपनी मीठी सी आवाज में कहती है, कौन हो बाबू तुम, और तुम्हें शर्म नहीं आती एक पराई लड़की को इस तरह देखने में। उस लड़की का बदन देखकर युग अपनी सुध-बुध खो बैठा था। उस लड़की को देखकर युग को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शालिनी की याद आ रही थी, जिससे वो कॉलेज में प्यार करता था। वो भी कुछ इसी तरह दिखती थी, इतनी ही सुंदर और मनमोहक
वो लड़की युग की आंखों के सामने अपना हाथ आगे पीछे हिलाते हुए कहती है, ओ बाबू क्या देख रहे हो, दूसरे लोक से आए हो क्या, कभी लड़की नहीं देखी। उस लड़की के हाथ को देखकर युग मधोशी के आलम से बाहर आ जाता है। जब युग कुछ जवाब नहीं देता तो वो लड़की फिर कहती है, अरे बाबू कुछ बोलोगे की भी नहीं, कहीं गूंगे तो नहीं हो। अचानक से उस लड़की को देखकर फिर युग के मन में यक्षिणी का ख्याल आने लग जाता है और वो बड़बड़ाते हुए कहता है, यक्षिणी। वो लड़की हंसते हुए कहती है, यक्षिणी नहीं यामिनी, यामिनी नाम है हमारा बाबू। युग यामिनी का नाम लेते हुए कहता है, अच्छा यामिनी, हाँ बाबू बिल्कुल सही कहा आपने। यक्षिणी का डर युग के मन से अभी भी नहीं गया था और वो यामिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी बारिश में। यामिनी धीरे धीरे कहती है, इतनी रात में मैं यहाँ पर शिकार करने आई थी और वो मुझे मिल गया। यामिनी की बात सुनकर युग बिचक जाता है और डरने लगता है। यामिनी युग को छूने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे डरिए मत बाबू, मैं यक्षिणी नहीं हूँ। जैसे ही यामिनी युग को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, युग झट से पीछे हट जाता है। यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबू मैं यक्षिणी नहीं मछुआरन हूँ और मछली का शिकार करने आई थी, मर्दों का नहीं। युग अभी भी यामिनी की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। युग यामिनी को घूरते हुए कहता है, चलो मान लेता हूँ कि तुम मछुआरन हो, पर बारिश में कौन मछली पकड़ता है। बाबू जब इंसान के पास खाने के लाले पड़े होते हैं ना, तो उसे वो काम भी करना पड़ता है जो करना नामुमकिन हो। रात में मछली पकड़ूंगी तभी तो सवेरे बेचूंगी ना, और अपने बूढ़े बाबा का पेट पालूंगी। और ये बारिश का क्या है, भूलिए मत ये मेघालय है और मेघालय में जब देखो बारिश होती ही रहती है। अब युग को यामिनी की बातों पर भरोसा होने लग गया था। धीरे धीरे वो यक्षिणी के खौफ से बाहर निकल रहा था, पर पूरी तसल्ली करने के लिए वो एक और सवाल उस लड़की पर ताक देता है और पूछता है, अगर तुम्हें मछली पकड़नी है तो तुम्हारे पास जाल वाल कुछ है ही नहीं, और जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी, मछली तो पकड़ नहीं रही थी। अरे बाबू जाल तो तब दिखेगा ना जब होगा, जाल तो मैं बिछा चुकी हूँ और जल्द ही मछली उसमें फंस भी जाएगी। यामिनी की बात सुनकर युग एक गहरा घूंट अपने गले से नीचे उतारता है। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, और रही बात मेरे खड़े होने की, तो जाल बिछा कर मैं मछली का उसमें फंसने का ही इंतजार कर रही थी कि तभी मुझे मेरे दोस्त दिख गए। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा दोस्त दिख गए, पर मुझे तो कोई नहीं दिखा था सिवाय जुगनू के। यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबू वही तो मेरे दोस्त हैं, आपको पता है वो मुझे बहुत पसंद करते हैं और मैं उन्हें। जब मैं देर रात तक यहाँ पर रहती हूँ तो कोई मेरे साथ नहीं रहता सिवाय इन जुगनू के। ये जुगनू अपनी जगमग रोशनी से मुझे रास्ता दिखाते हैं, और आपको पता है ये जुगनू ना रात के वक्त ही। यामिनी बोलते बोलते रुक जाती है। युग गहरी सांस लेते हुए कहता है, रात के वक्त क्या। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है, ये जुगनू रात के वक्त ही संभोग करते हैं। यामिनी की ये बात सुनकर युग खांसने का नाटक करने लग जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि ये लड़की होकर कैसी बातें कर रही है। युग टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी। यामिनी शर्माते हुए कहती है, बाबू हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है, हमने जुगनू के संभोग की क्या बात की, आप तो हमारे साथ ही संभोग करने की। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, अरे अरे मेरी बात तो पहले सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम तो कुछ भी सोच रही हो, मुझे नदी पार करनी है, क्या तुम मेरी नदी पार करने में मदद कर सकती हो, आपको मरना है क्या बाबू। युग हिचकिचाते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो यामिनी। ऐसा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं बाबू। यामिनी अपने हाथ से नदी की ओर इशारा करते हुए कहती है, आपको दिख नहीं रहा नदी में कितना तेज बहाव है और पानी भी कितना ज्यादा है, अगर डोंगी का जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो सीधे नदी के अंदर होंगे। युग हैरानी के साथ कहता है, डोंगी मतलब। डोंगी नाव की तरह ही होती है बाबू, बस उससे थोड़ी अलग होती है, उसका उपयोग भी नदी पार करने के लिए ही किया जाता है। नाव हो या डोंगी हो जो भी हो तुम्हारे पास मुझे सब चलेगा, बस मुझे कैसे भी करके आज ही रात नदी पार करनी है, वो तुम करवा दो। यामिनी युग को मना करते हुए कहती है, नहीं बाबू
मैं नहीं जाने वाली इतनी रात में नदी में। देखो प्लीज मेरी मदद करो। युग यामिनी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि वो ऐसे नहीं मानने वाली, इसलिए वो उसके हालात का फायदा उठाते हुए कहता है, देखो मुझे तो नहीं लगता कि आज रात तुम्हारे जाल में कोई मछली फंसने वाली है, और यदि कोई मछली नहीं फंसी तो सवेरे बेचोगी क्या और फिर अपने बाबा का पेट कैसे भरोगी? इसलिए मेरी बात मानो, तुम मुझे नदी पार करवा दो, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। यामिनी युग की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और असमंजस में पड़ जाती है कि क्या करे। यामिनी कुछ सोच पाती उससे पहले ही युग कहता है, अरे इतना सोच क्या रही हो, घर आई लक्ष्मी को मना नहीं करते ऐसे। यामिनी धीरे से कहती है, कितने पैसे देंगे बाबू आप? देखो वैसे तो 50 रुपए लगते हैं, पर तुम 100 ले लेना। यामिनी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा, बस 100 रुपए? आजकल 100 रुपए में होता ही क्या है बाबू, 100 रुपए के लिए मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालने वाली। देखो ऐसा करो, तुम 200 ले लो, पर इससे ज्यादा नहीं दे सकता, अभी मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, मेरी मजबूरी समझो। यामिनी युग को नदी पार कराने के लिए तैयार हो जाती है। युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, तो कहाँ है तुम्हारी वो डोंगी जिससे तुम मुझे नदी पार करवाने वाली हो? यामिनी अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, वो रही। जब युग उस ओर नजरें करता है तो देखता है कि वहां पर एक बहुत पुरानी लकड़ी की गोल डोंगी थी जिसमें ज्यादा जगह नहीं थी, सिर्फ 2-3 लोग ही बैठ सकते थे। यामिनी तो उसमें झट से बैठ जाती है, पर युग डरते हुए आराम से उसमें बैठता है और दोनों नदी पार करने निकल जाते हैं। इस तरफ रात के 12 बज गए थे और रजनी ने वापस से कमरे में कुछ ढूंढना शुरू कर दिया था। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि जिस चीज को वो सवेरे से ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिली थी, जिस कारण वो काफी परेशान हो गई थी। कमरे में सुबह के मुकाबले रात में ज्यादा चीजें अस्त व्यस्त तरीके से फैली हुई थी। रजनी कुछ ढूंढ ही रही थी कि तभी कोई पीछे से आकर उसकी कमर पकड़ लेता है। रजनी को जैसे ही इस चीज का एहसास होता है वो झट से पीछे मुड़ते हुए कहती है, कौन है? जब रजनी पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसकी कमर और किसी ने नहीं बल्कि उसके पति सुदेश ने पकड़ी थी। सुदेश प्यार के मूड में कहता है, ये इतनी रात में तुम क्या ढूंढ रही हो रजनी, ये तो हमारे सोने का वक्त है ना, चलो सोते हैं। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, तुमको सोने के सिवा कुछ और आता भी है? भूलो मत तुम्हारे घर में एक जवान लड़की है जिसकी तुम्हें शादी करनी है। सुदेश अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अब हमारे सोने का अमोदिता की शादी से क्या लेना देना? रजनी गुस्से से कहती है, तुम ना छोड़ो मुझे, मुझे अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। सुदेश प्यार से कहता है, काम करने के लिए तो तुम्हें बुला रहा हूँ, अब वो काम तुम्हारे बगैर थोड़ी कर सकता हूँ। सुदेश की बात सुनकर रजनी और गुस्से से भिन्न आ जाती है और बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहती है, तुम ना चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ, कुछ होता तो है नहीं तुमसे, बस सोना है। रजनी का गुस्सा देखकर सुदेश चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाता है। रजनी ने सारी अलमारी का सामान बिखरा दिया था, पर जो चीज वो ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिली थी। उसने अलमारी के सारे कपड़े निकाल कर बाहर फेंक दिए थे, उसकी साड़ियों की घड़ी भी बिगड़ गई थी। सुबह से ही कोई चीज ढूंढने के कारण उसका सिर दर्द करने लग जाता है और वो अपनी जिद छोड़ देती है। रजनी बिस्तर पर बैठते हुए कहती है, हटो मुझे सोने दो। सुदेश बिस्तर पर ही सरकते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा मूड भी बन गया, तुम औरतें ना ऐसी ही होती हो, तुम्हारा मन भी करता है करने का पर नाटक करती हो ताकि मर्द तुम्हें मनाए। रजनी फिर गुस्से से उबलते हुए कहती है, मैंने कहा ना मेरा सिर दर्द कर रहा है, सोने दो मुझे, खबरदार अगर तुमने मुझे छुआ भी तो, समझे? रजनी की बुलंद आवाज सुनकर सुदेश पीछे हट जाता है। रजनी पीठ के बल लेटकर सोने लग जाती है। सुदेश रजनी के आसपास ही देख रहा था कि तभी उसकी नजर कमरे में अस्त व्यस्त फैले सामान पर पड़ती है और वो कहता है, अरे ये क्या, तुमने सामान तो सारा फैला कर रखा है, ये क्या रात भर ऐसे ही फैला रहेगा, तुम्हें पता है ना मुझे गंदगी पसंद नहीं। रजनी की आंखें बंद ही थी और वो कहती है, अगर पसंद नहीं है तो खुद कर लो सफाई, बहुत गर्मी है ना तुम्हारे अंदर, अब सफाई करके सारी गर्मी उतार दो, समझे? सुदेश रजनी की बात का कुछ जवाब नहीं देता और उसके कहने पर कमरे की सफाई करने लग जाता है। कहने को तो सुदेश का रजनी पर हुक्म चलता था, पर वो सिर्फ घर वालों के सामने दिखावे के लिए, पर कमरे के अंदर का मामला कुछ और ही था। सुदेश रजनी से बहुत डर कर रहता था और उसके हुक्म का पालन करता था। कुछ ही देर में सुदेश ने कमरे की सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से जमा दी थी, बस झाड़ू लगानी बची हुई थी। सुदेश लंबी वाली झाड़ू उठाता है और लगाने लग जाता है,
तभी उसकी नजर बेड के नीचे पड़ती है और वो देखता है कि बेड के नीचे बहुत ज्यादा धूल जमी हुई थी। सुदेश बड़बड़ाते हुए कहता है, पता नहीं ये रजनी ने ना कब से झाड़ू नहीं लगाई है, ये कुछ काम ढंग से करती ही नहीं है। इतना कहकर वो बेड के नीचे से झाड़ू निकालने लग जाता है। सुदेश ने अभी एक दो बार झाड़ू बेड के नीचे से निकाली ही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि उसकी झाड़ू से कोई ठोस चीज टकराई थी। सुदेश खुद से कहता है, अरे ये क्या था जो झाड़ू से टकराया था। सुदेश झाड़ू की मदद से उस ठोस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाता है और अपने कई प्रयासों के बाद वो ठोस चीज बाहर भी निकाल लेता है। जब वो ठोस चीज बाहर आती है तो सुदेश देखता है कि वो ठोस चीज और कुछ नहीं बल्कि एक मोटी सी बहुत पुरानी किताब थी। उस किताब में करीब 400-500 पेजेस थे। सुदेश उस किताब को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, ये कौन सी किताब है और बेड के नीचे क्या कर रही थी। सुदेश फूंक मारकर उस किताब पर की धूल साफ करता है और उस पर लिखा पढ़ने लग जाता है। उस किताब के पहले पेज पर तीन शब्द लिखे हुए थे। सुदेश वो तीन शब्द पढ़ते हुए कहता है, तंत्र मंत्र यंत्र। जैसे ही सुदेश ये तीन शब्द पढ़ता है रजनी की झट से आंखें खुल जाती हैं और वो उठकर बैठ जाती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुदेश के हाथ में कोई ऐसी चीज लग गई थी जो नहीं लगनी चाहिए थी। सुदेश हैरानी के साथ रजनी से पूछता है, रजनी ये कैसी किताब है और किसकी है। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। यक्षिणी तेरा ख्वाब है। सुदेश का सवाल सुनकर रजनी झट से बिस्तर पर से उठ जाती है और किताब सुदेश के हाथ में से छीनते हुए कहती है, तुम्हें ये किताब कहाँ मिली। सुदेश बेड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये यहीं पर, ये अपना बेड है ना, इसके नीचे थी, मैं झाड़ू लगा रहा था तब दिखी। वैसे ये किताब किसकी है, बड़ी अजीब लगती है, आज से पहले ऐसी किताब कभी नहीं देखी मैंने। रजनी गुस्से से कहती है, तुमको क्या करना है, ये किताब किसी की भी रहे, तुम अपने काम से मतलब रखो ना। अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो रजनी, मैं तो बस ऐसे ही सहूलियत के लिए पूछ रहा था। सुदेश रजनी से वो किताब मांगते हुए कहता है, जरा दिखाओ तो क्या लिखा है इस किताब में, मैं भी तो पढूं, बड़ी रोचक किताब लगती है। गुस्से से रजनी की आंख लाल हो गई थी। रजनी बड़ी बड़ी आंखें करके सुदेश को घूरते हुए कहती है, मैंने कहा ना अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती क्या। जब सुदेश रजनी का गुस्से से भरा चेहरा देखता है तो वो डर जाता है। रजनी वो किताब लेकर कमरे से बाहर जाने लग जाती है। वो अभी दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि तभी सुदेश उसको रोकते हुए कहता है, अब इतनी रात में तुम कहाँ जा रही हो रजनी। रजनी सुदेश के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती और वापस से अपने कमरे के अंदर बढ़ने लग जाती है। रजनी सुदेश के करीब जाकर उसके सिर के पीछे के बालों को प्यार से सहलाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, सुदेश तुम्हें सो जाना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। यही बात रजनी दो बार दोहराती है। अगले ही पल ये बात सुदेश के कानों में गूंजने लग जाती है और वो भी बड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ तुम ठीक कहती हो, रात बहुत हो चुकी है, मुझे सो जाना चाहिए, मुझे सो जाना चाहिए। सुदेश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रजनी ने सुदेश को पूरी तरह अपने वश में करके रखा हो। मुझे सो जाना चाहिए बड़बड़ाते हुए सुदेश बिस्तर के ऊपर लेटकर सो जाता है। सुदेश के सोते ही रजनी वो किताब लेकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है। रजनी अमोदिता के कमरे के सामने खड़ी हुई थी और उस कमरे का दरवाजा खटखटाए जा रही थी। रजनी फुसफुसाते हुए कहती है, दरवाजा खोल अमोदिता, दरवाजा खोल। रजनी बार बार अमोदिता को आवाज लगाए जा रही थी पर अमोदिता दरवाजा नहीं खोल रही थी। रजनी फिर फुसफुसाते हुए कहती है, दरवाजा खोल नालायक लड़की। 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब अमोदिता दरवाजा नहीं खोलती है तो वो एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहती है, काली दुनिया के काले रिवाज, जो जाने जो माने करे राज। जैसे ही रजनी ये बात कहती है दरवाजा झट से खुल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे रजनी की ये बात अमोदिता के मन तक पहुंच गई थी और वही सुनकर उसने दरवाजा खोल दिया था। दरवाजे की दहलीज पर अमोदिता खड़ी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। अमोदिता नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है,
क्या है माँ, इतनी रात में क्यों उठाया मुझे? रजनी अमोदिता पर चिढ़ते हुए कहती है, यहाँ पर मेरी नींद उड़ी पड़ी है और तू है कि घोड़े बेचकर सो रही है, नालायक कहीं की। तुझे तेरी शादी की चिंता है या नहीं? माँ शादी की चिंता है तभी तो सो रही थी, वैसे भी शादी के बाद कहाँ ये पति लोग सोने देते हैं। तुमको पता है कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं, युग जी मेरे गले में मंगलसूत्र डालने वाले थे कि तभी तुमने वो काले जादू का मंत्र पढ़कर मुझे जगा दिया। तू बस सपने ही देख, अगर ऐसे ही चलता रहा तो युग कभी तेरा नहीं होगा, समझी? रजनी की बात सुनकर अमोदिता का छोटा सा मुंह हो जाता है। अमोदिता यहाँ वहाँ देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर रजनी के हाथ में पकड़ी किताब पर पड़ती है और वो उस किताब को छूते हुए कहती है, ये रद्दी वाले की किताब क्यों पकड़ी हुई है माँ तुमने अपने हाथ में? रजनी भिन्नाते हुए कहती है, हाथ मत लगाना इस किताब को, नालायक लड़की, ये रद्दी वाली किताब नहीं है, यही वो किताब है जो तुझे युग क्या सब कुछ दिलवा सकती है। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा माँ आपने, ये किताब मुझे सब कुछ दिलवा सकती है? हाँ, ये तंत्र मंत्र यंत्र की किताब है। अमोदिता धीरे से कहती है, ये तंत्र मंत्र यंत्र क्या होता है माँ, कहीं ये काले जादू की किताब तो नहीं है? रजनी अमोदिता की बात से सहमत होते हुए कहती है, हाँ तू ऐसा कह सकती है, देख मैं तुझे बताती हूँ, काले जादू में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है साधना, पूरा खेल साधना का ही है, जो जितने अच्छे से साधना करेगा वो उतने ही अच्छे तरीके से अपने शिकार को अपने जाल में फंसा पाएगा। काले जादू में तीन प्रकार की साधनाएं होती हैं, पहला तंत्र साधना, दूसरा मंत्र साधना, तीसरा यंत्र साधना। तंत्र साधना मतलब माँ? तंत्र शब्द का अर्थ है तन, यानी तन से जुड़ा है, ऐसी सिद्धियां जिन्हें पाने के लिए पहले तन को साधना पड़े उसे तंत्र साधना कहते हैं। तंत्र एक ऐसी प्राचीन विद्या है जिसमें खुद के शरीर को, किसी और के शरीर को या मृत शरीर को मंत्रों के और हठ योग द्वारा साध कर की जाने वाली तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। इनका मकसद शारीरिक मानसिक रोग, अतृप्त आत्माओं से मुक्ति, ध्यान केंद्रित करना, सिद्धियां शक्तियां वशीकरण करना, मारण आकर्षण यक्षिणी साधना प्राप्त करना होता है। यक्षिणी का नाम सुनते ही अमोदिता झट से अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा आपने, यक्षिणी साधना, ये क्या होती है माँ? सही सुना तूने, यक्षिणी साधना, पर ये तेरे काम की नहीं है, तू बस वशीकरण सीख, समझी? पर माँ मुझे बताइए ना थोड़ा बहुत ये यक्षिणी साधना के बारे में। मैंने कहा ना ये तेरे काम की नहीं है। पर माँ मैं जानना चाहती हूँ। अगर जानना चाहती है तो पहले वो सीख जो मैं सिखा रही हूँ, समझी? जिस तरह गणित में जीरो से शुरुआत होती है वैसे ही काली दुनिया में इनकी परिभाषाओं से शुरुआत होती है, एकदम से सब चीजें नहीं बताई जाती हैं। तू ये मान ले कि आज से तेरा काला जादू सीखने का पहला अध्याय शुरू हो गया है, जैसे जैसे तू ये सब सीखते जाएगी वैसे वैसे मैं तुझे काले जादू की और गहराई के बारे में बताती जाऊंगी। अमोदिता हाँ में अपना सिर हिला देती है। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अब मैं तुझे मंत्र साधना के बारे में बताती हूँ। मंत्रों ही गुप्तम विज्ञानम, अर्थात मंत्र एक गुप्त विज्ञान है जिससे गूढ़ रहस्य प्राप्त किए जा सकते हैं। मंत्र का अर्थ है मन को एक तंत्र मिलाना, मन जब मंत्र के अंदर हो जाता है तो वो सिद्ध हो जाता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है, मंत्रों के जाप करने से एक ऐसी ध्वनि तरंगे कंपन उत्पन्न होती हैं जो आसपास के वातावरण में एक शक्ति का संचालन करती हैं। अमोदिता एकटक नजर से रजनी को देख रही थी और उसकी सारी बातें बड़े चाव से सुन रही थी। रजनी किताब के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है, मंत्र साधना कई प्रकार की होती है, मंत्रों के प्रयोग से किसी देवी देवता भूत या पिशाच दानव आदि को साधा जा सकता है। तुझे पता है मंत्रों का प्रयोग पूजा पाठ और ग्रह शांति के लिए भी किया जाता है। इतना ही नहीं यंत्रों और तंत्रों को भी मंत्रों के द्वारा ही संचालित किया जाता है। प्रत्येक यंत्र तंत्र का एक विशेष मंत्र होता है जिसे वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, किसे माँ? अरे वो गुप्त संदेश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अमोदिता कुछ सोचते हुए कहती है, कोडवर्ड। हाँ सही कहा, कोडवर्ड, ये मंत्र एक प्रकार से कोडवर्ड ही होते हैं। अमोदिता कुछ याद करते हुए कहती है, वो जैसे वो कौन सी फिल्म थी? हाँ याद आई, अलीबाबा 40 चोर में, जिस तरह वो बोलते हैं खुल जा सिम सिम और वो गुफा खुल जाती है। हाँ सही उदाहरण दिया तूने, खुल जा सिम सिम एक तरह का मंत्र था और वो गुफा यंत्र जिससे वो संचालित हो रही थी, अब समझी? हाँ समझ गई माँ,
अब मैं तुझे बताती हूँ सबसे आखिरी यानी यंत्र साधना के बारे में। यंत्र साधना को सभी सिद्धियाँ प्राप्त करने का द्वार भी कहा जाता है। यंत्र और मंत्र को हम किसी भी प्रकार से अलग नहीं कह सकते। यदि यंत्र शरीर है तो मंत्र उस शरीर की आत्मा। जैसे आत्मा शरीर में निवास करती है, वैसे ही अदृश्य शक्तियाँ इन यंत्रों में निवास करती है। रजनी अपनी बात पूरी करती है, उससे पहले ही अमोदिता बीच में उसे टोकते हुए कहती है, वो जैसे माँ ताबीज में शक्ति समाहित होती है वैसे ही। हाँ, ताबीज भी एक प्रकार का यंत्र ही है। यंत्र को हम एक प्रकार से कवच भी बोल सकते हैं। यंत्र के अंदर किसी कागज, भोजपत्र या धातु पत्र पर स्याही से या किसी अन्य चीज साधना के आकृति रूप संख्या बनाई जाती है। यंत्र और कवच सभी तरह की मनोकामना पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, जैसे वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण या धन अर्जन, सफलता, शत्रु निवारण, भूत बाधा निवारण, होनी अनहोनी से बचाव आदि के लिए यंत्र या कवच बनाए जाते हैं। अमोदिता रजनी के हाथ की किताब देखते हुए कहती है, माँ ये तो बहुत अच्छी किताब है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? यही तो मैं ढूंढ रही थी सुबह से। और मिली किसे? तेरे पापा को। अच्छा, पर माँ आपने जवाब नहीं दिया, ये किताब तुमको किसने दी? रजनी धीरे से कहती है, ये किताब मुझे मेरी माँ ने दी थी, और उन्हें उनकी माँ ने, और उन्हें उनकी माँ ने। मतलब ये जादू टोना करना हमारा पुश्तैनी काम है जो बरसों से चला आ रहा है। हाँ सही कहा, इसी की वजह से तो हमारा अस्तित्व है। पहले बहुत से लोगों को ये करना आता था, पर धीरे धीरे सब भूल गए। ये रहस्य कहीं लुप्त ना हो जाए, इसलिए मेरी दादी की दादी ने ये सब बातें किताब में लिख दी थी, और ये वही किताब है, समझी? हम लोग सौदाइन हैं। ये सौदाइन क्या होता है माँ? वो मर्द जो जादू टोना करते हैं उन्हें सौदाया कहा जाता है, और वो औरत जो जादू टोना करती है उन्हें सौदाइन कहा जाता है, समझी? हाँ समझ गई माँ। मतलब आज से मैं भी सौदाइन? अरे पहले तू सीख तो जा ये जादू टोना करना, सौदाइन बाद में बनना। चल अब ये बातें करना छोड़, बहुत बकबक करने लगी है तू। जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आई थी वो करते हैं। रजनी किताब को एक हाथ में पकड़ती है और अपना राइट हैंड आगे बढ़ाते हुए कहती है, ला युक्का बाल दे मुझे। अमोदिता कुछ जवाब नहीं देती, मूर्ति बनकर खड़े रहती है। अरे नालायक लड़की, खड़ी क्या है, मैं कुछ कह रही हूँ तुझसे, युक्का बाल दे। मैंने सुबह बोला था ना कि रात में उसके बाल से जादू टोना करेंगे। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ आपने बोला तो था, पर वो क्या है ना, वो। रजनी भिन्नाते हुए कहती है, अरे वो क्या लगा रखा है, सीधे सीधे बोल, तू युक्का बाल तोड़ पाई है या नहीं? वो माँ मैंने सोचा था जब युग जी सोएंगे तो चुपके से उनका बाल तोड़ लूंगी, पर वो तो खाना खाते ही निकल गए। अब आप ही बताइए मैं कैसे तोड़ती उनके बाल। तू ना नालायक की नालायक ही रहेगी, पूरा दिन था तेरे पास, क्या किया तूने? वो माँ, अमोदिता कुछ कहती है उससे पहले ही रजनी गुस्से से कहती है, चुप रह, मुझे कुछ नहीं सुनना। सोचा था आज से युग को अपने वश में करना शुरू कर देंगे, पर लगता है कल से ही ये क्रिया शुरू करनी पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुन ले, कल रात कैसे भी करके मुझे युग का बाल चाहिए। पर माँ मैं कहाँ से ला कर दूंगी युग जी का बाल, वो तो उस ग्रेवयार्ड कोठी में चले गए वापस से। अगर युग ग्रेवयार्ड कोठी में गया है तो तू भी चली जा, समझी? मुझे बहाने मत दे, काम करके दिखा जो मैंने तुझे बोला है। तुझे युग से शादी करनी है या नहीं? करनी है ना माँ। तो बस कल रात कैसे भी करके बाल लाकर मुझे दे, समझी? अमोदिता हाँ में अपना सिर हिला देती है। रजनी वहाँ से जाने लग जाती है, तभी अमोदिता उसे रोकते हुए कहती है, अरे माँ अब इतनी रात में यहाँ तक आ ही गई हो, ये जादू टोने की किताब लेकर तो ये मुझे ही दे दो, मैं रात भर पढ़ लूंगी तो कल जादू टोना करने में आसानी होगी। रजनी गुस्से से उबलते हुए कहती है, नालायक लड़की, तू सही में नालायक की नालायक ही रहेगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू मेरी बेटी है भी या नहीं। नहीं, तू मेरी और सुदेश की बेटी हो ही नहीं सकती, हम तेरी तरह इतने काले थोड़ी हैं। जरूर नर्स ने बच्चा बदल दिया होगा और उस रात और तुझे मेरी गोदी में डाल दिया होगा। रजनी की बात सुनकर अमोदिता का मुंह छोटा सा हो जाता है। उसके दिल को एक बहुत गहरी ठेस लगी थी, पर वो कहती कुछ नहीं, वो अपने आंसू अंदर ही अंदर पी लेती है। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, ये किताब कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, जादू टोने की किताब है। अगर किताब पढ़ते वक्त भी जरा सा मंत्र यहाँ से वहाँ हुआ तो मुसीबत आन पड़ेगी। जादू टोना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसको करने के भी कई नियम होते हैं, और पहला नियम ये होता है कि कोई गुरु बनाना पड़ता है, समझी? और तेरी गुरु मैं हूँ, मेरी इजाजत के बिना इस किताब को हाथ लगाने की सोचना भी मत, वरना तू नहीं जानती क्या हो जाएगा। अमोदिता डरते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ, मैं नहीं लगाऊंगी इस किताब को हाथ, तुम्हारी इजाजत के बगैर, तुम्हारी कसम।
रजनी अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहती है, देख अमोदिता, अगर तुझे युग को अपना बनाना है तो सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमसे पहले ही युग को अपने वश में कर ले। इतना कहकर रजनी वहां से चली जाती है। इस तरफ युग और यामिनी डोंगी के अंदर थे और किश्नोई नदी पार कर रहे थे। उन दोनों ने आधी नदी पार कर ली थी। यामिनी के हाथों में चप्पू थे जिसकी मदद से वो डोंगी को चला रही थी। युग ये देखकर हैरान था कि दिखने में तो यामिनी एक दुबली पतली लड़की थी, पर उसके बाजुओं में इतनी ताकत थी कि वो युग जैसे भारी भरकम आदमी और डोंगी के वजन को अकेले ढो रही थी। युग यामिनी को चप्पू चलाते हुए देख रहा था। उसकी यामिनी से नजर हट ही नहीं रही थी। यामिनी ये बात नोटिस कर लेती है और कहती है, ए बाबू, क्या देख रहे हो, मेरा बदन? युग अपनी नजरें यामिनी के बदन से हटाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस नदी के पानी को देख रहा था। देखो हमारी डोंगी उतरते ही कैसे पानी का बहाव कम हो गया। होगा कैसे नहीं, आखिर ये सब मेरा हुक्म जो मानते हैं। युग बिचकते हुए कहता है, हुक्म मानते हैं मतलब? मतलब ये कि आपको पता नहीं है क्या बाबू, ये प्रकृति इंसान के बारे में सोचती है, बस हम ही इसके बारे में नहीं सोचते। तभी तो पानी का बहाव इसने कम कर दिया ताकि हम नदी पार कर सके। युग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि यामिनी कैसी बातें कर रही थी। यामिनी युग को देखते हुए कहती है, वैसे बाबू आप यहाँ के नहीं लगते, परदेसी हैं क्या? हाँ वो मैं बेंगलोर से आया हूँ और मेरा नाम बाबू नहीं युग है, समझी? आपका नाम कुछ भी हो पर हम तो आपको बाबू ही कहेंगे, यही नाम हमने आपको दिया है। यामिनी की बात सुनकर युग हंसने लग जाता है। यामिनी को पलट कर कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि उसे पता था कि जवाब देना बेकार है। अचानक से युग के मन में एक सवाल आ जाता है और वो यामिनी से पूछता है, वैसे तुम रहती कहाँ पर हो यामिनी? ये किश्नोई नदी है ना, उसके रोंकामुचा घाट के किनारे पर ही रहती हूँ मैं अपने बाबा के साथ। वो उनकी तबीयत खराब है ना, इसलिए सारे काम आजकल मुझे ही करने पड़ते हैं। अच्छा, और बाबू आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? मैं ये काला झाड़ी जंगल के पास जो ग्रेवयार्ड कोठी है ना, वहाँ पर रहता हूँ। यामिनी धीरे से कहती है, ये तो मेरा घर है। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। यक्षिणी तेरा ख्वाब है। यामिनी का जवाब सुनकर युग डर जाता है और हिचकिचाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, मेरा घर है मतलब? यामिनी हंसते हुए कहती है, मेरा घर नहीं बाबू, मैंने कहा वो तो यक्षिणी का घर है ना। यामिनी की बात सुनकर युग कुछ नहीं कहता, बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। युग अभी भी यामिनी को देखकर घबरा रहा था। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने जो लड़की बैठी थी वो यामिनी ही है या फिर यक्षिणी। यामिनी धीरे से कहती है, सुना है आज से 13 साल पहले उस ग्रेवयार्ड कोठी में ही उस यक्षिणी को कैद किया गया था, कहीं आपने वो कोठी खोलकर उसे उस कैद से रिहा तो नहीं कर दिया? युग मन ही मन सोचने लग जाता है, यही पता करने तो मैं ग्रेवयार्ड कोठी जा रहा हूँ, पता नहीं अभी मन्यू ने सारी तैयारी करके रखी होगी या नहीं। मुझे कैसे भी करके पूर्णिमा आने से पहले ये पता करना ही होगा कि यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है या नहीं। जब युग यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता तो यामिनी उसका हाथ छूते हुए कहती है, अरे कहाँ खो गए बाबू, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। यामिनी के छूने पर युग अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आ जाता है और कहता है, कहीं भी तो नहीं, तुम बोलो ना यामिनी क्या बोल रही थी। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, वो हम बोल रहे थे कि आपको डर नहीं लगता उस कोठी में रहने में? सुना है यक्षिणी बहुत ही शक्तिशाली थी, किश्नोई नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार दिया करती थी। बाबू यदि आपको बुरा ना लगे तो एक सलाह दूं। युग झट से कहता है, कैसी सलाह यामिनी? मेरी सलाह यही है बाबू कि यदि कभी गलती से भी अगर यक्षिणी उस कैद से आजाद हो भी जाए तो आप कभी भी ये नदी पूर्णिमा या अमावस्या की रात पार मत करना, वरना वो सबसे पहले आपको ही अपना शिकार बनाएगी। यामिनी की ये बात सुनकर युग का गला सूख गया था। युग यामिनी से अपनी नजरें मिलाते हुए कहता है, क्यों तुम ऐसा क्यों बोल रही हो यामिनी? यामिनी बेफिक्र होकर बोलती है,
क्यों बाबू, आप दिखते ही इतने अच्छे हो कि आपको देखते से किसी भी लड़की का आप पर दिल आ जाए। तो फिर वो तो यक्षिणी है। अगर मैं यक्षिणी होती ना तो आपको ही अपना शिकार बनाती। यामिनी की बात सुनकर युग समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। वो मन ही मन मुस्कुराने लग गया। वो पहली बार एक ऐसी गांव की लड़की को देख रहा था जो ऐसे बेधड़क होकर बातें किया करती थी। यामिनी को देखकर कई बार युग को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शालिनी की याद आई थी। युग की जिंदगी से शालिनी के चले जाने के बाद आज तक युग ने किसी लड़की से इतनी बातें नहीं की थी जितनी नदी पार करते वक्त उसने यामिनी से कर ली थी। पता नहीं क्या जादू था यामिनी के चेहरे और बदन में जिससे युग चाहकर भी अपने आप को यामिनी से बात करने से नहीं रोक पा रहा था। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अभिमन्यु, कायर और कछुआ साथ साथ जमीन पर बैठे हुए थे। उन तीनों के सामने शराब की 3 बोतल रखी हुई थी, साथ ही कुछ डिस्पोजल और 2 बिस्लेरी पानी की बोतल भी थी। कछुआ उबते हुए कहता है, यार तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, बोतल सामने रखी है, जल्दी जल्दी पैक बनाओ और कार्यक्रम शुरू करो। कायर कछुए पर बिचकते हुए कहता है, अरे पागल, पहले युग को तो आने दे, जिसकी कोठी है उसकी इजाजत के बिना ही कार्यक्रम शुरू कर देंगे क्या? यार इसमें इजाजत वाली क्या बात हो गई, युग दोस्त है हमारा, वो थोड़ी हमें उसके घर में कार्यक्रम करने से मना करेगा। आखिर वो दोस्त ही क्या जिसकी प्रॉपर्टी यूज करने से पहले आपको उसकी इजाजत लेनी पड़े। हाँ सही कहा, वैसे भी ये दोस्ती में तेरा मेरा नहीं होता, दोस्ती में सब दोस्तों का ही होता है। कायर अभिमन्यु के कंधों पर हाथ मारते हुए कहता है, क्यों अभिमन्यु क्या बोलता है, शुरू करें कार्यक्रम? अभिमन्यु कायर की बात का कुछ जवाब नहीं देता। वो तो मन ही मन कायर और कछुए को गालियां दे रहा था। सोच रहा था पता नहीं इन दोनों कमीनों को कैसे भनक लग गई कि मैं यहाँ पर हूँ और साले यहाँ पर आ गए कार्यक्रम करने। सोचा था आज अपने भूत पकड़ने वाले डिवाइस की मदद से यक्षिणी का पता लगाऊंगा कि वो ग्रेवयार्ड कोठी में है या नहीं, पर इन दोनों बेवकूफों ने सब चौपट कर दिया। बचपन में भी ये दोनों मेरे सारे काम बिगाड़ते थे और अभी भी बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अभिमन्यु ये सब सोच ही रहा था कि तभी कछुआ शराब की बोतल को अपने हाथ में लेता है और उसे चूमते हुए कहता है, बस जान थोड़ी देर, फिर तुम सीधा मेरे अंदर होगी और मेरी प्यास बुझाओगी। अभिमन्यु कछुए को घूरते हुए मन ही मन सोचता है, ये कछुआ दिखने में तो हड्डी का ढांचा है पर पता नहीं इतनी कैसे पी लेता है, कुत्ता कहीं का, हरामी साला। कछुआ अपनी जगह से उठते हुए कहता है, यार तुम दोनों बैठो, मैं हल्का होकर आता हूँ, वरना शराब पीने के बाद हल्का होने गया तब तक गड़बड़ हो जाएगी। इतना कहकर कछुआ अपनी जगह से उठ जाता है। वो अभी एक दो कदम ही चला था कि तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है। कायर ठहाके मारते हुए कहता है, इस कछुए के तो बिना पिए ही पैर लड़खड़ा रहे हैं, पता नहीं इसका पीने के बाद क्या हाल होने वाला है। कछुआ उठते हुए कहता है, यार जरूर कोई मुझे गाली दे रहा है तभी मैं गिरा, मेरी दादी कहती है हमें अक्सर ठोकर तभी लगती है जब आपका कोई करीबी दोस्त आपको गाली दे रहा हो। जैसे ही अभिमन्यु कछुए के मुंह से ये बात सुनता है घबराते हुए कहता है, क्या कहा तूने, तेरा कोई दोस्त तुझे गाली दे रहा है, कौन है जरा बता तो मुझे, किसकी हिम्मत हुई मेरे प्यारे कछुए दोस्त को गाली देने की। कछुआ अपनी कोहनी मलते हुए कहता है, पता नहीं कौन है, एक बार पता चल जाए उस दगाबाज दोस्त के बारे में फिर देखना कैसे उसे गालियां दे दे कर गिराता हूँ। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए मन ही मन सोचने लग जाता है कि गाली देने का असर तो सच में होता है। कायर अभिमन्यु और कछुए को टोकते हुए कहता है, यार तुम दोनों ये फालतू की बातें करना बंद करोगे, और अभिमन्यु तू बता क्या करना है, युग का इंतजार करें या नहीं, या फिर उसके बिना ही कार्यक्रम शुरू करें? कछुआ वापस से अपनी जगह पर उठते हुए कहता है, यार उसका इंतजार क्या करना, वैसे भी वो कहाँ पर पीता है, हम तीन ही तो हैं पीने वाले, वो तो बस हमारा मुंह ताकता रहता है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार कछुए बात तो तेरी सही है पर फिर भी एक बार उसे बता देते तो सही रहता, वो दोस्त हुआ तो क्या हुआ, फिर भी आखिर ये उसका घर है, उसकी इजाजत के बिना हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। कायर कहता है, यार तो उसे फोन करके पूछ लेना हम यहाँ पर कार्यक्रम कर लें क्या, और ये भी पूछ लेना कि वो आ रहा है या नहीं, वैसे भी रात के 1 बज गए हैं, मुझे नहीं लगता वो इतनी रात में नदी पार करेगा, मैं तो शाम से ही उसे फोन लगा रहा हूँ पर मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है उसका। यार तुझे तो पता ही है रोंगकामुझा गांव में अक्सर लाइट की प्रॉब्लम होती है, और मैंने कहा ना वो नहीं आने वाला, आज 13 साल बाद अपने रिश्तेदारों से मिलने गया है तो एक दिन तो वहाँ पर रुक कर ही आएगा ना। कछुआ कायर का साथ देते हुए कहता है, यार मुझे तो कायर की बात में दम लगता है, मुझे भी यही लगता है कि युग नहीं आने वाला। यार बात तो तेरी भी सही है
पर कुछ देर और इंतजार करके देखते हैं, हो सकता है आ जाए, क्योंकि उसे यहाँ पर एक बहुत जरूरी काम करना है। कायर और कछुआ दोनों एक साथ पूछते हैं, कैसा काम? अभिमन्यु घबराने लग जाता है और सोचने लगता है कि ये जल्दबाजी में उसके मुंह से क्या निकल गया। कायर अभिमन्यु पर दबाव बनाते हुए कहता है, अभिमन्यु तू चुप क्यों हो गया? बताना क्या जरूरी काम है युग को जो आज रात ही उसे यहाँ पर आना पड़ेगा? अभिमन्यु बहाना बनाते हुए कहता है, अरे तुम दोनों को तो पता ही है ना कि युग यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप खोलने वाला है, तो उसी पर आज रात हम दोनों लंबी डिस्कशन करने वाले थे, तो ये जरूरी काम ही हुआ ना, रिश्तेदार थोड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यार युग के लिए उसका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है या उसका रिश्तेदार, इसका फैसला बाद में हो जाएगा, पर अभी मेरे लिए टॉयलेट जाना ज्यादा जरूरी है वरना टैंक यहीं पर खाली हो जाएगा। इतना कहकर कछुआ भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। इस तरफ यामिनी और युग किश्नोई नदी के बंगला मुडा घाट के किनारे पहुंचने वाले थे। युग अभी भी यामिनी को देखे जा रहा था, उसकी उससे नजर ही नहीं हट रही थी। पता नहीं क्या जादू कर दिया था यामिनी ने युग के ऊपर। यामिनी डोंगी का चप्पू चला ही रही थी कि वो चप्पू चलाना रोक देती है और कहती है, बाबू बंगला मुड़ा घाट आ गया। युग अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आते हुए कहता है, क्या कहा? घाट आ गया इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ बाबू, पूरा आधा घंटा लगा है नदी पार करने में। अरे आधा घंटा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला तुम्हारे साथ बातें करते करते। युग ने इतना ही कहा था कि तभी आसमान में जोर से बिजली चमकती है। यामिनी बादलों को देखते हुए कहती है, लगता है आज रात जमकर बारिश होने वाली है। हाँ मुझे भी यही लगता है, मुझे जल्दी ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचना चाहिए। तुम भी निकलो वरना यहीं पर फंस जाओगी। वैसे यदि तुम चाहो तो मेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी चल सकती हो। नहीं अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया है, जब वक्त आएगा तब मैं खुद आ जाऊंगी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने कहा बाबू अभी मैं नहीं आ सकती, घर पर मेरे बीमार बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं ना। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे बाबा भी हैं एक। इतना कहकर युग अपनी पैंट की जेब में से पर्स निकालता है और उसमें से 200 रुपए निकालकर यामिनी को दे देता है। यामिनी झट से वो पैसे ले लेती है। यामिनी के चेहरे की मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उन पैसों की सख्त जरूरत थी। युग डोंगी से नीचे उतरने लग जाता है पर तभी उसे कमल के फूलों की खुशबू आने लग जाती है और वो जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है। धीरे धीरे कमल के फूलों की खुशबू बढ़ने लग गई थी और सीधे युग के नथनों में घुसने लग गई थी। कमल के फूल की खुशबू यामिनी के पास से आ रही थी। युग खुशबू को सूंघते हुए यामिनी के पास जाने लग जाता है। यामिनी घबराते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हो बाबू, हमारे करीब क्यों आ रहे हो इतना? युग यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता। कमल के फूलों की खुशबू में युग इतना मदहोश हो गया था कि उसको अपने आप पर कुछ काबू ही नहीं रहा था। कमल के फूलों की खुशबू में एक नशा सा था, ये खुशबू यामिनी के बदन से आ रही थी। युग यामिनी के बहुत करीब चले जाता है, उतने ही करीब जितना फूल उसकी पत्तियों के रहता है। युग यामिनी के इतने करीब पहुंच गया था कि यदि एक कदम भी वो आगे बढ़ाता तो उसके होंठ यामिनी के होंठ से टकरा जाते। युग वहीं पर रुक जाता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, ये खुशबू में। युग बार बार यही बड़बड़ाए जा रहा था। यामिनी युग की आंखों में देखने लग जाती है। युग यामिनी की आंखों में लगे काजल की गहराई में खो जाता है। यामिनी के बाल डोंगी में बैठने से पहले खुल गए थे पर पता नहीं कब उसने उन बालों का एक बड़ा सा जूड़ा बना लिया था। उन्हीं बालों में एक कमल का फूल लगा हुआ था। यामिनी वो फूल अपने बालों में से निकालते हुए युग को देते हुए कहती है, ये खुशबू इसमें से आ रही है। युग उस फूल को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहता है, अच्छा तो इससे आ रही है वो खुशबू, पर यामिनी बालों में कौन कमल का फूल लगाता है? मैं लगाती हूँ ना बाबू, जिस तरह मुझे जुगनू पसंद है उसी तरह कमल के फूल भी मुझे बहुत पसंद है। युग कमल के फूल को अपनी नाक के पास लाते हुए उसकी खुशबू सूंघते हुए कहता है, तुम भी ना यामिनी, पता नहीं तुम्हें क्या क्या पसंद है। यामिनी धीरे से कहती है, मुझे संभोग भी बहुत पसंद है बाबू। जैसे ही युग यामिनी के मुंह से ये बात सुनता है उसका सिर घूमने लग जाता है और वो चक्कर खाकर धड़ाम से डोंगी पर ही गिर जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग के दोस्त अभी भी उसके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम शुरू नहीं किया था। कायर, कछुआ और अभिमन्यु तीनों की नजरें शराब की बोतल पर गड़ी हुई थी। वो तीनों यही सोच रहे थे कि कब युग आएगा और कब वो उसे खोलेंगे। कायर उबते हुए कहता है, यार अब ना मुझसे एक पल भी सब्र नहीं होता,
मैं नहीं कर सकता युग का इंतजार, उसे आना होता तो वो आ चुका होता। मेरी बात मानो, वो वहीं उसके बड़े पापा के घर रुक गया होगा। हमें कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार तू ठीक कहता है, अब मुझसे भी और इंतजार नहीं हो रहा है, इससे अच्छा तो हम लोग मेरे घर में प्रोग्राम कर लेते। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा तूने तेरे घर में? कछुए बोलने से पहले जरा सोच तो लिया कर कि क्या बोल रहा है। अगर तेरे घर में प्रोग्राम करते ना तो सारी शराब तो तेरी दादी ही पी जाती। याद है ना पिछली बार जितनी बोतल हम तीनों ने मिलकर खाली नहीं की थी उतनी तेरी दादी ने अकेले कर दी थी। कछुआ शर्माते हुए कहता है, यार वो तो दादी है, वो भी अपने जमाने की शेरनी थी। तुम्हें नहीं पता मेरी दादी ने ना बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया है। दादी ने मुझे बताया था कि एक बार जब वो किश्नोई नदी पर गई थी तो उन्होंने वहाँ पर यक्षिणी को देखा था। कछुआ अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कायर उसे बीच में टोकते हुए कहता है, यार तूने तो अभी पी भी नहीं है और पीने के पहले ही फेंक रहा है। यार मैं फेंक नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, दादी की कसम उन्होंने ही मुझे बताया था। जब कछुआ अपनी दादी की कसम खाता है तो कायर और अभिमन्यु दोनों को उसकी बात पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि कछुआ अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, कभी उनकी झूठी कसम नहीं खा सकता था। अभिमन्यु गहरी सांस लेते हुए कहता है, तो फिर यक्षिणी ने तेरी दादी को अपना शिकार नहीं बनाया? कैसे बनाती, दादी मर्द थोड़ी थी। यक्षिणी तो मर्दों को अपना शिकार बनाती थी ना, वो भी उनके साथ संभोग करके। कायर कछुए को देखते हुए कहता है, तो फिर यक्षिणी ने तेरी दादी को ऐसे ही जाने दिया बिना कुछ करे? यार इसके बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं, पर बस दादी ने मुझे ये बताया था कि उनका और यक्षिणी का एक बार आमना सामना हुआ था, वो भी किश्नोई नदी पर। अब दादी अभी तक जिंदा है तो जाहिर सी बात है कि यक्षिणी ने उन्हें जाने दिया होगा। अभिमन्यु खुश होते हुए कहता है, यार मैं नहीं कहता था यक्षिणी अच्छी औरत है, देख ये उसकी अच्छाई का सबूत है, तभी तो उसने ये कछुए की दादी को जाने दिया। कायर अभिमन्यु की बात से डिसएग्री करते हुए कहता है, मैं नहीं मानता तेरी बात, मान ले अगर यक्षिणी अच्छी है तो तू ही बता कि वो मर्दों को अपना शिकार क्यों बनाया करती थी। यार अभिशाप के कारण, अब कितनी बार बताऊं, उसे एक अभिशाप मिला था जिसके कारण वो बुरी बन गई थी। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। कछुआ डरते हुए कहता है, यार इतनी रात में कौन आया होगा? कायर बेफिक्र होकर कहता है, लगता है युग आ गया, तुम लोग अब कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी करो, पैक बनाओ, मैं दरवाजा खोल कर आता हूँ। इतना कहकर कायर अपनी जगह पर खड़ा होता है और दरवाजा खोलने जाने लगता है। कछुआ शराब की और अभिमन्यु बिस्लेरी की बोतल का ढक्कन खोलने लग जाते हैं। जब कायर दरवाजा खोलता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो मंत्रमुग्ध अवस्था में खड़ा हो जाता है। अभिमन्यु के पीछे से आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ कायर, तू दरवाजे पर खड़ा क्यों हो गया, जल्दी अंदर आना युग को लेकर। कायर कुछ जवाब नहीं देता, वो तो चिर अवस्था में खड़ा हुआ था। जब कायर 5 मिनट तक कुछ जवाब नहीं देता तो अभिमन्यु और कछुआ दोनों उसके पास जाने लग जाते हैं। दरवाजे के पास आकर उन दोनों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे तीनों ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कछुआ कायर और अभिमन्यु तीनों हक्के बक्के रह गए थे। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, उन्हें अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दरवाजे की दहलीज पर युग बेहोश पड़ा हुआ था, उसके शर्ट के बटन खुले हुए थे जिस कारण उसका सीना साफ साफ दिख रहा था। उसके सीने पर खरोंच के निशान थे, उन खरोंचों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी लड़की ने अपने नाखूनों से खरोंचा हो। युग का पूरा शरीर बरसात के पानी से भीगा हुआ था, बाहर बारिश और तेज हो गई थी, बादल ऐसे गरज रहे थे जिसे सुनकर किसी के भी दिल दहक जाए। अभिमन्यु हकलाते हुए कहता है, यार ये युग को क्या हो गया, ये बेहोश कैसे हो गया? कायर और कछुआ तो युग को इस हालत में देखकर इतने चकित हो गए थे कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, उनकी आवाज उनके गले में ही फंस कर रह गई थी। अभिमन्यु नीचे झुकता है और युग को हिलाते हुए कहता है, युग ओ युग उठ यार, ये क्या हो गया तुझे? कछुआ डरते हुए कहता है,
यार ये युग कहीं भगवान को तो प्यारा नहीं हो गया। कायर कछुए पर गुस्सा करते हुए कहता है, कभी तो अच्छा सोच लिया कर कछुए, जब देखो मनहूसियत वाली बातें करता रहता है। अभिमन्यु युग का हाथ पकड़ता है और उसकी नब्ज चेक करने लग जाता है। कायर अभिमन्यु के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ, चल रही है ना नब्ज? अभिमन्यु गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ चल रही है, भगवान का शुक्र है। एक काम करो, जल्दी इसे उठाओ और अंदर ले चलो। अभिमन्यु युग के दोनों पैर पकड़ता है और कछुआ कायर मिलकर युग के हाथ पकड़ लेते हैं और उसे उठाने लग जाते हैं। अभिमन्यु, कायर और कछुआ ने युग को उठाकर अभी एक दो कदम ही बढ़ाए थे कि तभी कछुआ जहाँ था वहीं पर रुक जाता है। कायर अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, क्या हुआ, तू रुक क्यों गया, अंदर चलना। कछुआ घबराते हुए अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहता है, यार वो देख सामने। जब अभिमन्यु और कायर सामने की ओर अपनी नजरें करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे जुगनुओं के झुंड थे जो जगमग जगमगा रहे थे। उन जुगनुओं ने अलग ही रोशनी कर दी थी जिस कारण लग ही नहीं रहा था कि बाहर रात थी। पीली रोशनी से ग्रेवयार्ड कोठी के आसपास का सारा इलाका जगमगा गया था। कायर अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, ये इतने सारे जुगनू कहाँ से आ गए? कछुआ उन जुगनुओं को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, पता नहीं यार, और वो भी बारिश में, मैंने आज तक इतने सारे जुगनुओं को कभी नहीं देखा था। मैंने भी यार, पहले वो किश्नोई नदी पर मरे हुए कौओं का मिलना और अब ये इतने सारे जुगनू, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब किसी चीज के संकेत हो, कोई बुरी घटना घटने के पहले के। अभिमन्यु कछुआ और कायर पर चिढ़ते हुए कहता है, कैसे दोस्त हो बे तुम दोनों, यहाँ पर युग बेहोश पड़ा हुआ है और तुम दोनों को जुगनुओं की पड़ी हुई है। कायर अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए कहता है, सॉरी यार, वो जुगनुओं को देखकर भूल गए थे हम दोनों, युग को अभी अंदर ले चलते हैं। इतना कहकर कायर अभिमन्यु और कछुआ मिलकर युग को कोठी के अंदर ले जाते हैं और सोफे के ऊपर सुला देते हैं। कायर युग की गाल थपथपाते हुए कहता है, युग, ओ युग, उठ यार, उठ भाई, कछुए पानी दे जरा, हो सकता है पानी डालने से होश में आ जाए। कछुआ युग के शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहता है, यार ये पूरा पानी से भीगा हुआ है और तू कह रहा है पानी ला कर दे, मुझे नहीं लगता पानी डालने से कुछ होने वाला है। यार तू दे तो, मैंने अक्सर देखा है फिल्मों में, जब भी कोई बेहोश होता है तो उसके ऊपर पानी डालने से वो होश में आ जाता है। यार वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है। कायर चिढ़ते हुए कहता है, यार तू दे तो, मुंह मत ज्यादा चला। फिल्मों में और किस्से कहानियों में जो चीजें दिखाई जाती हैं वो कभी कभी सच भी होती हैं। भूल मत, कहानियों और फिल्मों को हमारी असली जिंदगी से ही लिया जाता है। कायर की बातें सुनकर कछुआ समझ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कायर युग के चेहरे पर पानी डालकर ही रहेगा, इसलिए कछुआ ना चाहते हुए भी पानी की बोतल उठाने लग जाता है। तोहफे के पास ही कुछ शराब और पानी की बोतल खुली हुई थी जिनसे कुछ देर पहले ही वो तीनों मिलकर पैक बनाने वाले थे। कछुआ बिना नीचे देखे ही उनमें से एक बोतल उठा लेता है और वो पूरी की पूरी बोतल युग के चेहरे पर उलट देता है। जब बोतल में का पानी युग के चेहरे पर गिरता है तो कछुआ देखता है कि वो पानी नहीं बल्कि शराब थी जो उसने युग के चेहरे पर पलट दी थी। कायर मुंह फाड़ते हुए कहता है, कछुए ये क्या किया तूने, तुझे पानी डालने को बोला था, तूने शराब क्यों डाल दी उसके चेहरे पर? कछुआ अपना सिर खुजाते हुए कहता है, सॉरी यार, गलती से हो गया, मैंने देखा नहीं था। क्या कहा, गलती से? तू ना सारे काम बिगाड़। कायर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे टोकते हुए कहता है, यार चुप बैठो थोड़ी देर, लगता है युग को होश आ रहा है, देखो उसकी उंगलियां मूवमेंट कर रही हैं। युग ने अपने हाथ की उंगलियां हिलाना शुरू कर दिया था। अगले ही पल धीरे से युग अपनी आंखें खोल देता है। जैसे युग अपनी आंखें खोलता है अभिमन्यु बौखलाहट के साथ पूछता है, युग तो ठीक तो है ना? युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, हाँ ठीक तो हूँ, बस सिर भारी भारी लग रहा है। अभिमन्यु अगला कोई सवाल पूछ पाता उससे पहले ही कायर युग पर अपना सवाल ताक देता है, युग एक बात बता, तू दरवाजा खटखटाने के बाद बेहोश हुआ या उससे पहले? युग कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ बोल पड़ता है, अबे कैसे सवाल पूछ रहा है कायर, जाहिर सी बात है ना, दरवाजा खटखटाने के बाद ही बेहोश हुआ होगा, कोई भूत थोड़ी दरवाजा खटखटाकर भाग जाएगा। क्यों युग, मैंने सही कहा ना, तू दरवाजा खटखटाकर बेहोश हो गया था ना? ये सब छोड़ और ये बता, तू बेहोश कैसे हो गया था? युग अपने सिर पर दबाव बनाते हुए बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं बेहोश कैसे हुआ? वो लड़की। अभिमन्यु अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, तू किस लड़की की बात कर रहा है युग?
वही यार जिसने मुझे नदी पार करवाई थी। वो लड़की कमल का फूल। कायर अपना सिर खुजाते हुए कहता है, ये लड़की तक तो ठीक था, पर अब बीच में कमल का फूल कहाँ से आ गया? गुलाब का होता तो चल भी जाता, क्योंकि लड़कियों को गुलाब के ही फूल दिए जाते हैं, पर कमल का फूल? लिटरली, कायर हैरानी के साथ पूछता है, तो किस लड़की की बात कर रहा है युग? यार मुझे ना रोंगकामुचा घाट पर एक लड़की, युग ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसे शराब की गंध आने लग जाती है। वो अपने कपड़ों की गंध लेते हुए कहता है, ये मेरे कपड़ों में से शराब की बदबू क्यों आ रही है? कछुआ अपना सिर झुकाते हुए कहता है, यार सॉरी यार, वो तू बेहोश था तो पानी डालने के चक्कर में मैंने गलती से तेरे ऊपर शराब डाल दी। युग इस बात पर कुछ रिएक्शन देता उससे पहले ही अभिमन्यु युग से पूछता है, युग तू इतनी रात में क्यों आया? तुझे नदी पार करने की क्या जरूरत थी? देखा नहीं बाहर कितनी जोरदार बारिश हो रही है? यार कुछ नहीं, वही पुरानी बात, बचपन में पहले पापा का बड़े पापा के साथ झगड़ा होता था और अब मेरा, उन्होंने मेरा मूड खराब कर दिया इसलिए यहाँ पर आ गया। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, मूड खराब कर दिया? पर कैसे और किस बात पर झगड़ा हो गया? फिर आते ही उनके साथ? युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, अभी ना मेरा किसी सवाल का जवाब देने का मन नहीं कर रहा है, मेरा सिर बहुत दुख रहा है, मैं कल सुबह सब कुछ बताता हूँ ना। ठीक है, तू जा पहले कपड़े चेंज कर ले, फिर सो जाना, हम सुबह बात करते हैं इस बारे में। युग अपनी जगह से उठता है और सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, लगता है आज मुझे अकेले ही यक्षिणी का पता लगाना पड़ेगा। युग के वहां से जाते ही कछुआ कहता है, यार अब तो युग भी आ गया, आकर अपने कमरे में भी चला गया सोने, अब हम लोग कार्यक्रम शुरू करें। कायर शराब की बोतल उठाते हुए कहता है, हाँ करते हैं शुरू, वैसे भी एक बोतल तो तू पहले ही युग के चेहरे को पिला चुका है। कुछ ही देर में शराब के कई पैक बनते हैं और वो सारे पैक कायर, अभिमन्यु और कछुए के शरीर के अंदर जाते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों नशे में धुत हो जाते हैं। कायर और कछुए को सबसे ज्यादा चढ़ी थी, पर अभिमन्यु ने लिमिट से पी थी, क्योंकि उसे पता था कि आज रात उसे एक बहुत जरूरी काम को अंजाम देना था, वो भी अकेले। कायर पैक पीते हुए कहता है, तो अर्ज किया है? कछुआ झट से कायर को रोकते हुए नशे में कहता है, दो मिनट, एक बात बता, ये तू जब भी शराब पी लेता है तो तेरे अंदर का शायर क्यों जाग जाता है? कायर भी नशे में कहता है, तू नहीं समझेगा कछुआ, ये शराब चीज ही ऐसी है, अंदर जाती है तो सारी गम बाहर निकाल देती है। यार मेरे अंदर के गम तो निकालती नहीं, बस जब भी अंदर जाती है तो बहुत सारा सूसू बाहर निकाल देती है। कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु हंसने लग जाता है। कायर कहता है, क्योंकि तेरे अंदर गम है ही नहीं कछुए, गम क्या, तेरे अंदर तो सारे फीलिंग्स ही नहीं है, तो हम शायर लेखक कवि लोगों को नहीं समझ सकता, हमारे अंदर ना बहुत गम होता है, इतना गम कि सागर का पानी भी उसके आगे कम लगे, हम लोगों को जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिलता, पर अपनी शायरी कहानी के जरिए हम लोगों को प्यार करना सिखाते रहते हैं, उन्हें प्यार करने की कद्र करना सिखाते रहते हैं। हमारी जिंदगी खुद गमों से भरी रहती है, पर हम लोगों के गम भुलाने के लिए लिखते रहते हैं ताकि उन्हें सुकून के दो पल मिले, वो शब्द पढ़कर, समझा? अभिमन्यु एक और पैक बनाता है और कायर को देते हुए कहता है, यार कायर तू ये सब छोड़ना और शायरी सुनाना जो सुनाने वाला था। कायर एक ही बार में वो पूरा पैक गटक जाता है और बहकते हुए कहता है, हाँ तो अर्ज किया है, ऊपर वाले को पता था ये दुनिया बड़ी खराब है, ऊपर वाले को पता था ये दुनिया बड़ी खराब है, इसलिए उसने हम जैसों के लिए बनाई शराब है। अभिमन्यु दाद देते हुए कहता है, वाह वाह। कायर आगे कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु आगे का जुमला गढ़ते हुए कहता है, जिंदगी के बाद मौत, मौत के बाद जिंदगी है, जिंदगी के बाद मौत, मौत के बाद जिंदगी है, यही सारे राज जानने के लिए हम सब बेताब हैं। कछुआ मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है, तुम दोनों ये राज की बात किसी को बताना मत, तुम दोनों ये राज की बात किसी को बताना मत, मैंने डर के मारे अपनी पैंट पर कर दी पेशाब है। कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु और कायर अपनी नाक बंद करने लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद कायर और कछुआ नशे में इतने धुत हो जाते हैं कि अपनी सुध-बुध खोकर जमीन पर ही सो जाते हैं, पर अभिमन्यु अभी तक जाग रहा था। आखिर इसी पल का तो वो इंतजार कर रहा था कि कब सब लोग सोएं, कब कोठी में शांति हो और वो कब यक्षिणी का पता लगाए।
अभिमन्यु बिना किसी हरकत के आराम से अपनी जगह पर से उठता है और अपनी पैंट की जेब में से इंफ्रारेड थर्मोमीटर निकालता है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर मोबाइल के आकार का दिखने वाला एक डिवाइस होता है जो बताता है कि तापमान में परिवर्तन किस साइड से हो रहा है, कमरे के अंदर से, बाहर से या किसी और साइड से। ऐसा कहा जाता है कि जहां पर भी अदृश्य शक्तियां होती हैं, वहां का टेम्परेचर कभी भी अपने आप चेंज होता रहता है। इसी तथ्य के आधार पर आज अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर यक्षिणी है या नहीं इसका पता लगाने वाला था। अभिमन्यु इंफ्रारेड थर्मोमीटर को ऑन कर देता है। उसके अंदर लाल इंडिकेटर लाइट जलने लग जाती है। जब अभिमन्यु के इंफ्रारेड थर्मोमीटर के डिस्प्ले पर नजर पड़ती है तो वो देखता है कि टेम्परेचर 44 डिग्री था। अभिमन्यु चकित होते हुए खुद से कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है, बाहर तो बारिश हो रही है, इस वजह से मौसम ठंडा होना चाहिए, इतना ज्यादा टेम्परेचर कैसे हो सकता है, लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। एक काम करता हूँ, बाहर का टेम्परेचर चेक करके देखता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाते जा रहा था, उसके माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदे आती जा रही थी। वो पसीने के कारण भीगने लग गया था। जब अभिमन्यु दरवाजा खोलता है और अपना इंफ्रारेड थर्मोमीटर दरवाजे के बाहर निकालकर बाहर का टेम्परेचर नोट करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाहर का टेम्परेचर 28 डिग्री था। अभिमन्यु अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है अंदर और बाहर के टेम्परेचर में। इसका मतलब ये है कि यक्षिणी कहीं नहीं गई है, वो इसी ग्रेवयार्ड कोठी में है। इस ग्रेवयार्ड कोठी में कोई न कोई अदृश्य शक्ति जरूर है। इतना कहकर अभिमन्यु घूंट गले से नीचे उतारता है। अभिमन्यु झट से दरवाजा बंद कर देता है और ये पता करने की कोशिश करने लग जाता है कि अगर यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है तो कहां पर है। अभिमन्यु अपना हाथ लंबा करता है और इंफ्रारेड थर्मोमीटर को अपने लेफ्ट राइट करने लग जाता है। जैसे ही अभिमन्यु अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है, हैरानी के साथ कहता है, ये क्या, टेम्परेचर एक कदम आगे बढ़ते ही कम कैसे हो गया। इंफ्रारेड थर्मोमीटर का टेम्परेचर 43 डिग्री हो गया था। अब जैसे जैसे अभिमन्यु अपने कदम कोठी के अंदर की ओर बढ़ाते जा रहा था, टेम्परेचर कम होते जा रहा था। इंफ्रारेड थर्मोमीटर में डिस्प्ले पर ऊपर की तरफ का एरो दिख रहा था, जिसका मतलब था कि वो अदृश्य शक्ति ऊपर है। ये देखकर अभिमन्यु खुश होते जा रहा था। उसके दिल को तसल्ली मिल रही थी ये सोचकर कि यह अदृश्य शक्ति और कोई नहीं बल्कि यक्षिणी है, जो अभी भी ऊपर वाले कमरे 666 में कैद है। पर इस बात पर पूरी तरह विश्वास करने के लिए अभिमन्यु ऊपर के कमरे की ओर अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। जब अभिमन्यु सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि टेम्परेचर 13 डिग्री हो गया था। वो ठंड के मारे कांपने लग गया था। अभिमन्यु समझ ही नहीं पा रहा था कि ऊपर और नीचे के एरिया में इतना टेम्परेचर डिफरेंस कैसे हो सकता है। अभिमन्यु रूम नंबर 666 से बस 2-3 कदम ही दूर था, तभी वो इंफ्रारेड थर्मोमीटर के डिस्प्ले में देखता है कि एरो अचानक चेंज हो गया था और वो एरो रूम नंबर 666 के बगल में जो रूम था उसकी ओर इशारा कर रहा था। अभिमन्यु अचंभित होते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, एरो बगल वाले रूम से कैसे दिखा रहा है, यक्षिणी तो रूम नंबर 666 में कैद है। अभिमन्यु बिना कुछ सोचे समझे रूम नंबर 666 के बगल वाले रूम के दरवाजे को धक्का दे देता है। वो दरवाजा चरमराते हुए धीरे से खुल जाता है। यक्षिणी एक गायक का अगला एपिसोड विद रियलिस्टिक विजुअल्स एक्सक्लूसिवली ऑन एमसी डॉट यूट्यूब चैनल। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।